वन विभाग खीरी के अधिकारी पहुंचे ग्राम घोला में वन विभाग की जमीन का कब्जा लेने। दशकों से बसे हुए ग्रामवासियों को उजड़े बचाया पलिया विधायक रोमी ने। आज विधायक रोमी साहनी और वन विभाग के अधिकारियों से हुआ आमना सामना। ग्राम घोला में वन विभाग के अधिकारियों को खाली हाथ पड़ा लौटना। वन विभाग के अधिकारी ग्राम घोला में कई गाड़ियों व कई जेसीबी के साथ लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे गरीबों से कब्जा हटवाने। विधायक रोमी साहनी ने गरीबों का पक्ष रखते हुए वन विभाग के अधिकारियों को गांव से वापस किया। देखिए और सुनिए पूरा मामला क्या है। पलिया से इंद्रजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं हो पाएगा ना, कुछ नहीं विधानसभा में, एक बार आप मेरी विधानसभा में और फिर वही हाल है। विधानसभा में अरे सभी जा रहे हैं। नहीं, आप लोग पहले गाड़ियां ले जाइए, जेसीबी ले जाइए। ये दहशत का माहौल हम नहीं होने देंगे यार। कुछ नहीं होगा, जाइए इंस्पेक्टर साहब ना। ये गलत बात है ना, कुछ नहीं, सब ये नहीं होगा। इनको वापस करिए गाड़ियों, सब जा रहे हैं। जेसीबी कहा के ले लाए, भागिए जेसीबी जा रही जा रही ले जाए यहाँ ऐसी। पाँच छह ट्रैक्टर भी खड़े हैं, ले जाइए रेंजर साहब। हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, ये अच्छी बात नहीं है। दहशत पैदा होती है, ये मुझे 500 फोन कर देते हैं, रात भर सोते नहीं है। इनको हर समय दहशत है आप लोगों की, सब ये गलत बात है ना। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है, ये महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है। ये नहीं चलेगा, रोज रोज मना कर दीजिए उनसे, कोई बात करनी हमें बुला, टेबल पे बैठ के बात करें। कोई एकदम आपके माध्यम से बात होगी, कोई कोई आपका पेड़ काटे, कोई आपके वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए, मैं जिम्मेदार हूँ। आप हथकड़ी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे किसी गरीब को जो 70 साल से आप उसको उजाड़ देंगे, ये नहीं हो पाएगा मेरी विधानसभा में, हरगिज नहीं। धन्यवाद। मैं विमलेश भैया मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये गलत काम होने नहीं दूंगा अपनी। लेकिन कुछ नहीं होगा सर, आप लोग जाइए, मैं हाथ जोड़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। बात हो गई तो आप जाइए, आप जाएंगे तभी मैं जाऊंगा यहाँ से, वरना मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अरे आपसे कह दिया, सब जा रहे हैं, आप जाइए ना। अरे जैसे बैठवाइए, मैं बोला टेबल पे बैठ के बात करें। कोई एकदम आपके माध्यम से बात होगी, कोई कोई आपका पेड़ काटे, कोई आपके वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए, मैं जिम्मेदार हूँ। आप हथकड़ी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे किसी गरीब को जो 70 साल से आप उसको उजाड़ देंगे, ये नहीं हो पाएगा मेरी विधानसभा में, हरगिज नहीं। धन्यवाद। मैं विमलेश भैया मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये गलत काम होने नहीं दूंगा अपनी। लेकिन कुछ नहीं होगा सर, आप लोग जाइए, मैं हाथ जोड़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। बात हो गई तो आप जाइए, आप जाएंगे तभी मैं जाऊंगा यहाँ से, वरना मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अरे आपसे कह दिया, सब जा रहे हैं, आप जाइए ना। अरे जैसे बैठवाइए। ये पकड़ कुछ नहीं है, जंगल विभाग के लोग आए दिन मेरे क्षेत्र के गरीबों को परेशान करते हैं, और आए दिन ये जेसीबी और ये गाड़ियां लेकर के आ जाते हैं। और 70 साल से गरीब लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं। 70 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने टच नहीं किया। इधर से ये कुछ दिनों से ये माहौल यहाँ ख़राब कर रहे हैं, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, हमारे महाराज जी को ये एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं और गरीब की बात करते हैं, और गरीब को किसी भी कीमत पर ना उजाड़ा जाए, ये बार बार वो वहाँ से बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वन विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है, आए दिन पूरी फोर्स सबके साथ लेकर के आकर के गांव वालों को धमकाते हैं। तो आज मुझे पता लगा ये कई जेसीबी और कई गाड़ी गरीबों की जमीनों पर ये अपना को जो भी करना चाहते हैं, तो मैं उसको रोकने के लिए आया हूँ। और इनसे मैंने प्रार्थना और निवेदन किया कि आप लोग हमारी सरकार को बदनाम ना करें, और जो भी चीज़ है उसको आकर के टेबल पर हमसे बात करें। हमारी जो ग्राम समाज की ज़मीन है घोला की 95 एकड़, हमारी ज़मीन पर, ग्राम समाज की ज़मीन पर इन गरीबों को शिफ्ट कर दें। उसके बाद अगर वन विभाग की कोई ज़मीन है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने उनसे यह भी बोला है, कोई गरीब पेड़ काटे, कोई वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए, तो आप हथकड़ी लगा के जेल भेज दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति 70 साल से एक गांव में झोपड़ी डाल के बैठा है, उसको हम नहीं उजड़ने देंगे। हम जेसीबी के आगे लेट जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रवि रानी।